भोई समाज के नागरिकों द्वारा जो कठिन कार्य किए जा रहे हैं उनकी सुविधाएं हेतु भाजपा सरकार हमेशा तत्पर है। भाजपा सरकार हमेशा समाज कल्याण में विकास के कार्य के प्रति संकल्पित है। इसी के तहत हम कार्य योजना बनाकर जनता को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही भाजपा सरकार जो कहती है वह करती भी है। उक्त उद्बोधन प्रदेश के जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट ने रामपुरा उपमंडी परिसर में आयोजित महासंघ के कार्यक्रम में कहे। मंत्री ने कहा, हमारे मछुआरे भाई कठिन परिश्रम कर अपना जीवन चला रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार इस हेतु नाव के लिए जो 12,000 मिलते थे अब उसे बढ़कर 21,000 आपको मिलेंगे। साथ ही मछली के भाव भी जल्द ही बढ़ाए जाएंगे ताकि आपको और अधिक फायदा मिले। साथ ही हमारी बहन बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के साथ ही पेंशन योजना भी कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ मंत्री सिलावट ने कार्यक्रम के पश्चात जमीन पर बैठकर विधायक मारू एवं सांसद गुप्ता के साथ बैठकर जनता के साथ संवाद किया एवं उनकी समस्याएं सुनी। इस दृश्य को देखकर हर कोई प्रसन्न दिखा। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक माधव मारू ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिदिन योजना बना रहा हूं। साथ ही गांधी सागर का पानी इस क्षेत्र को मिले इसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। वहीं मछुआरे भाइयों के हित के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। भाजपा सरकार गरीबों के कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजना आपके लिए बनाई है आपके सामने है और दिनों दिन और भी योजनाएं आपके लिए बन रही है। इस अवसर पर मछुआ कॉलोनी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में भानपुरा विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, जिला कार्य समिति सदस्य विजेंद्र सिंह मालाखेड़ा, जिला मंत्री उज्जवल पटवा, मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार सहित पार्षदगण अतिथिगण मंचासीन थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष विभागों के कर्मचारी अधिकारी गण उपस्थित थे। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की रिपोर्ट।